लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। आज हम आपको दिखाएंगे यूपी के मेरठ के उस भूतिया पेड़ का सच, जहां पे कोई शक्ति शहर के पूरे चमगादड़ों को बुलाती है अपने पास और रात के अंधेरे में बन जाता है वो सबसे खतरनाक पेड़। मेरठ में एक ऐसा अद्भुत पेड़ है जहां चमगादड़ों का बसेरा है। अद्भुत क्योंकि इस पेड़ पर सैकड़ों साल से चमगादड़ रोजाना की तरह उड़ जाते हैं और सूर्य की किरणों का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ने के साथ साथ पेड़ पर चिपक जाते हैं। अब इस पेड़ को शहरवासी भूतिया पेड़ के नाम से भी जानने लगे हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि लोग रातों को इस पेड़ के नीचे से निकलने में डरते हैं और पेड़ को भूतिया पेड़ बोलकर रास्ता ही बदल लेते हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि पेड़ पर चमगादड़ों के बसेरे से क्षेत्रवासियों में भयावह स्थिति बनी हुई है और लोग रात को पेड़ के नीचे से गुजरना पसंद नहीं करते हैं। मैं जहाँ ये चमगादड़ हैं उसी के आसपास रहता हूँ और मैं रोज कई मर्तबा वहाँ से गुजरता हूँ। ये इरिगेशन का एक परिसर है, उसमें हजारों की तादाद में और काफ़ी बड़ी बड़ी चमगादड़ वहाँ हमेशा लटकी रहती हैं और मैं विगत कई वर्षों से उन्हें देखता हूँ। और इन चमगादड़ों के बारे में जहाँ तक मेरी जानकारी है कि ये स्तनधारी जीव है और ये मनुष्य के लिए हानिकारक है। इसमें इसकी लार में कई तरह के खतरनाक विषाणु पाए जाते हैं। ये पक्षी इंसान का मित्र नहीं है, ये पक्षी इंसान के किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। आपको बता दें, मेरठ के पौस इलाके सिविल लाइन क्षेत्र जहां तमाम अधिकारियों का आवागमन होता है और साथ ही अधिकारियों के रहने के लिए सरकारी आवास भी है, वहीं एक ऐसा भी पेड़ है जहां हजारों चमगादड़ों का बसेरा है और दिन निकलते ही चमगादड़ पेड़ पर लटके हुए दिखाई देते हैं और रात होते ही चमगादड़ों का क्षेत्र में आतंक हो जाता है। लेकिन वन विभाग पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है, जबकि पेड़ से महज 100 मीटर की दूरी पर डीएफओ कार्यालय है। वन विभाग का कोई भी अधिकारी पूरे मामले को देखकर भी अनदेखा कर देता है। मेरठ में ये भूतिया पेड़ लोगों का केंद्र बना हुआ है। लोग दिन में लटके हुए चमगादड़ों को देखने के लिए कतार लगाकर खड़े होते हैं, परंतु रात के अंधेरे में लोग यहाँ जाना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि रातों के अंधेरों का बादशाह चमगादड़ है। शहर में चमगादड़ों का इतना भय है कि लोगों का कहना है कि चमगादड़ों का इसी पेड़ पर बसेरा बनना कोई काले जादू का कारण है। पेड़ पर कोई भूत है जो चमगादड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, दूसरी जगह जाने ही नहीं देता। ये जो चमगादड़ यहाँ लटकी मिलती है बहुत भारी संख्या में है और ये रेजिडेंशियल इलाका है, वीआईपी इलाका भी है और वन विभाग का ऑफिस भी इसके पास है। वन विभाग के ऑफिस को इस बात की कतई परवाह नहीं है कि ये जो पक्षी हैं ये कितना नुकसान इस क्षेत्र को कर रही हैं और यहाँ कोई बड़ी घटना हो जाए, क्योंकि इसका रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं और कई बार आदमी इसके खून पीने से बच नहीं पाता, बहुत सारे नुकसान इससे हैं। तो मैं ये मुझे बड़ा अफसोस ये है कि सरकार में जो वन विभाग में इतना खर्चा जो अधिकारी बैठे हैं वो ऐसे पशुओं को, ऐसे जानवरों को, ऐसे पक्षियों के बारे में कहीं कोई रिएक्शन और एक्शन देखने को नहीं मिलता और ना इनकी कोई सोच है। सरकार इनके ऊपर इतना पैसा खर्च करती है, अधिकारी सिर्फ बैठकर चाय पीकर शाम तक अपने दफ्तरों में बैठकर ड्यूटी पूरी करके चले जाएं। तो सरकार को, मैंने मुख्यमंत्री जी को, जो वन विभाग के संबंधित जो ऐसे चमगादड़ या कोई और भी ऐसे अनावश्यक पक्षी हैं जो नुकसान दे रहे हैं, जैसे सहारनपुर में अभी एक वो उतरिया आया था चित्ता वगैरह, तो ऐसे ऐसे वन विभाग को सतर्क करने की जरूरत है और इस पर सरकार, मैं समझता हूँ, संज्ञान लेवे, वरना तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। क्योंकि सैकड़ों सालों से यह चमगादड़ इसी तरह पेड़ पर लटके दिखाई दे रहे हैं। मेरठ से टीम टीवी 30 इंडिया के साथ राशिद खान की रिपोर्ट। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजे हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज को पहुँचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर, और साथ ही TV30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के यूट्यूब चैनल TV30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।